हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। मैं हूँ फराह खान फारूकी और आज मैं बनाऊंगी चाइनीज़ चिकन। देखिए इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट। और हमें उसके लिए चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और जो चाइनीज़ चिकन हमने बनाया था, जो हमने चिकन तंदूरी में चिकन जो तला था, फ्राई किया था, उसी तरह से इसमें भी चिकन फ्राई कर लें। और इसमें हमें चाहिएगा खड़ा गरम मसाला, टमाटो सॉस, फूड कलर और दही। हमने एक पैन में सबसे पहले घी या ऑयल, आप चाहे तो घी में बता सकते हैं, बटर या फिर ऑयल, हमने इसमें घी लिया है। 2 से 3 टीस्पून हमने घी लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेज़पत्ता। ये देखिए हमने इसके अंदर तेज़पत्ता डाल दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये खड़े गरम मसाले जो भी हमने लिए थे, फूल, काली मिर्च, लौंग, पत्थर फूल और तज, वो सब हम इसको फ्राई करेंगे अब इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, लाइट गोल्डन हो जाए जब तक, जब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ खचका प्याज जो हमने काटा था। देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा काटिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है हमें। और ढक्कन ढक रहे हैं ताकि इसके छींटे हमारे ऊपर ना आए ऑयल के या घी के। ये देखिए हमने प्याज डाल दी, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें चाइनीज़ बनाना है तो बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है, बस स्लाइटली इसको डाल के चलाना है। ये देखिए हमने लगभग सभी ऑनियंस डाल दी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। और इसमें साथ में हमने थोड़ी बहुत शिमला मिर्च और ग्रीन चिली भी डाल दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च बचा के रखिएगा बाद में डालने के लिए। ये देखिए हमने सब डाल दिया, अब हम इसे स्पैचुला से हिलाकर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर दिया है। फ्राई करने के लिए इसको चलाते रहना है ताकि ये एक जैसा सब तरफ से फ्राई हो, ऐसा नहीं कि एक तरफ से डार्क और एक तरफ से लाइट। अब हम इसके अंदर 4 से 5 जिंजर गार्लिक पेस्ट विद ग्रीन चिली हम इसके अंदर डालेंगे, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर हरी मिर्च भी डली हुई है। 4 से 5 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा मिला देना है इसको, ये हम अच्छे से मिला देंगे पूरा और थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गाजर, सलाद वाली गाजर जो हमारे पास अवेलेबल होती है फ़िलहाल मार्केट में, वो इसके अंदर हम बारीक चौरस चौरस क्यूब्स काट के इसके अंदर मिलाएंगे। अब ये देखिए हमारा मसाला लगभग भूनने आया है, अब हम उसके अंदर एक टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे। ये सब चीज़ें हमने पहले से ही सब्ज़ियाँ लगभग काट कर रख ली थी क्योंकि वो ईजी होता है बनाने में। ये देखिए अब हम इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। देखिए हल्दी हम डाल चुके हैं, लगभग हल्दी ने अपना कलर छोड़ दिया है ऑयल के अंदर। और ये देखिए हमने 2 चम्मच लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है। और अगर आपको थोड़ा कम स्पाइसी पसंद हो तो थोड़ी कम लाल मिर्च डालें, बिकॉज हमने इसके अंदर ग्रीन शिमला मिर्च भी डाली है, ग्रीन चिली भी डाली है, इसलिए अब हम इसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे ताकि इसमें थिकनेस बाइंडिंग जो हो वो आ जाए। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और आपको अगर थोड़ा टेस्ट पसंद हो तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। देखिए अब हमारा मसाला हम सब अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक जो हमने सब चीज़ें एक साथ डाली है, तो हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए हमारा लगभग सब अच्छे से मिक्स हो चुका है और थोड़ी देर पकने भी दें इन मसालों को ताकि पूरी ग्रेवी में टेस्ट उतरे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, को अच्छे से मिलाएंगे और सोया सॉस मिला दिया है हमने उसके अंदर। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ग्रीन चटनी 1 टीस्पून, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर 1 चम्मच टमाटर सॉस मिला सकते हैं ग्रीन चटनी के बजाय। ये देखिए हमने जो चिकन फ्राई किया हुआ था चिकन तंदूरी में, जो हमने जिस तरह से फ्राई करना बताया है, वो फ्राई चिकन हम इसके दर मिलाएंगे पूरा। ये अच्छे से मिक्स करने देंगे इसको, चिकन तो ऑलरेडी फ्राई है, बस उसका मसाला चिकन के ऊपर चढ़ जाए इसलिए हम उसको थोड़ा सा चलाएंगे। और फिर उसके अंदर हम 3 से 4 टीस्पून उसके अंदर दही डालेंगे,
इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरे चिकन और पूरे मसाले में। ये देखिए, इसको हमें पूरे को स्लो आंच पर पकाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट आंच पर नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी पका हुआ है और हम फ्राई पैन में बना रहे हैं, तो इसलिए। ये देखिए, अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, चिकन गरम मसाला हमने तंदूरी का चिकन गरम मसाला हमने यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई सा भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपके पास अवेलेबल हो, चिकन का हो या फिर घर का गरम मसाला अवेलेबल हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। मैंने इसमें रसबेरी फूड कलर डाला है, अगर आपके पास ऑरेंज रेड फूड कलर अवेलेबल हो तो वो भी आप डालिए। वो बस हमें ये ध्यान रखना हो कि फूड कलर फ्रेश हो, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो, उसकी डेट पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो न्यू फूड कलर रहता है वो अच्छा टेस्ट और कलर देता है, पुराने हो जाते हैं तो उतना अच्छा कलर नहीं देते। ये देखिए, हमारा लगभग ये तैयार है चिकन। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला पूरा अच्छे तरीके से चढ़ जाए चिकन के अंदर, और ये 5 मिनट के लिए हम उसे धीमी आंच पर रख देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन तैयार है, हम उसके ऊपर धनिया डाल रहे हैं। अब हम उसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये चाइनीज़ चिकन राइस के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो हमने इसको राइस के साथ सर्व किया है। आप जो घर में नॉर्मली बिरयानी के लिए राइस यूज़ करते हैं, उसके साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और इसके साथ आप ग्रीन चटनी बनाइए, और ऑनियन और मतलब जो प्याज की रिंग्स होती है वो, और बहुत टेस्टी लगता है ये। ये देखिए, आप भी ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स और मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।